Hello everybody, this is Vinay Pathak and you are watching IndiaGlitz.com. Bajatey Raho. ये बदले की भावना से प्रेरित जो कुछ हो सकता है किसी भी कहानी में वैसा ही सा कुछ करने की कोशिश की है इस ग्रुप ने और इसीलिए इस फिल्म का नाम है बजाते रहो. बहुत कुछ लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है और उस अन्याय की वजह से उनके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मची है और काफ़ी दुर्घटनाएं घटी हैं. तो उन सब की जो वजह है वो सबरवाल जी का किरदार है और उनसे बदला लेने के लिए ये सब इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनको सबक सिखाने का प्रण लेते हैं. एंड हेंस दैट हैपेंस एंड दैट्स द स्टोरी. बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम पहली फिल्म के पहले भी बहुत सालों से हम एक दूसरे के दोस्त हैं अभी भी हैं. इतनी फिल्म करने के बाद भी हमारी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई है. तो मेरे लिए तो वॉज लाइक अ होम कमिंग. शशांत डायरेक्ट कर रहे थे. कृषिका जी जिन्होंने हमारे साथ चलो दिल्ली बनाई थी वो प्रोड्यूस कर रही थी. रणवीर हमारे बहुत पुराने मित्र हैं वो इसमें एक्टिंग कर रहे थे. इसके साथ डॉली जी जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ डॉली जी के साथ पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिल रहा था मुझे. रवि जी के साथ जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनके साथ एक्टिंग करने का मौका मिल रहा था मुझे. तुषार जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन हमने कभी साथ में काम नहीं किया. हमने एक दूसरे को धमकी दी है कि हम एक वी विल डू अ फिल्म टुगेदर. उनके साथ पहली बार काम करने का मौका मिला था. तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी वजहें ऐसी थी जिसने मुझे प्रेरित किया ये फिल्म करने की. नहीं ऐसा नहीं है. हर फिल्म जिसका पार्श्व दिल्ली हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो घोसला का घोसला से ही प्रेरित या प्रभावित है. जिंदगी में कई घटनाएँ घटती हैं और वो घटना कहीं भी घट सकती है. दिल्ली में ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं और ये फिल्म की कहानी ऐसी है जो ऑलमोस्ट लगता है जैसे सच्ची घटना से आधारित है लेकिन ये बिल्कुल ही काल्पनिक है. और ये फिल्म है उसमें मनोरंजन है और भी दूसरी तरह की रोचकताएं हैं और ये कोशिश की गई है कि हम आपका भरपूर मनोरंजन करें. 26 जुलाई को जो कि शुक्रवार है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में 2013 भूलिए मत आप ज़रूर देखने आए. जी हाँ, एक भजन है जो अक्सर दिल्ली के जगराता के इवेंट्स में होता है. तो ये भजन यूं ही नहीं डाला गया है, ये प्लॉट ड्रिवन है. वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट है फिल्म में और जहाँ पे उस तरह की चीज़ की ज़रूरत थी तो वो जागरण का एक सीन है जिसमें एक भजन है. ये तो भाई दर्शक ही इसका उत्तर दे सकते हैं. मैं बस दर्शकों से यही कहूँगा कि आप कृपया हमारी फिल्म देखने आएँ और इसका भरपूर आनंद उठाएँ क्योंकि आपको मद्देनज़र रखते हुए ये फिल्म बनाई गई.